नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। ये आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित, WHO से संबंधित। तो इसमें देखेंगे कि आखिर अभी ये चर्चा में क्यों है। बात करेंगे कि आखिर विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो वित्त रहता है, वित्तीयन, वो क्या है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का व्यय क्या है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की आलोचना क्या क्यों हो रही है, उसे भी देखेंगे। इस कदम में के वैश्विक प्रभाव क्या रहेंगे, उसे भी देखेंगे। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और भारत और WHO में क्या संबंध है, उसे भी देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह WHO को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली धनराशि को रोक देगा, तथा यह आरोप लगाया कि कोरोना के प्रसार को विश्व स्वास्थ्य संगठन का द्वारा बेहतर प्रबंधित नहीं किया गया। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि WHO है क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन है क्या। तो याद रखिए, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को आपको आपका स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये इसमें आपके 195 देश सदस्य हैं। WHO आपकी दो रिपोर्ट जारी भी करता है, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, दूसरी है उसकी स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन। याद रखिए 1980 में जो आपका स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हुआ था, WHO के ही प्रयास से हुआ था। WHO के प्राथमिक क्षेत्र हैं, जैसे उसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना, गैर संचारी रोग, संचारी रोग, कॉरपोरेट सेवाएं, निगरानी और प्रतिक्रिया, ये सभी आपके WHO के प्राथमिक क्षेत्र हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग वित्तीय स्वास्थ्य संगठन का वित्तीय। यह बड़ी संख्या में देशों, परोपकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों द्वारा वित्त पोषित है। मतलब इसे कई आपके देश परोपकारी संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठनों द्वारा इसे वित्त दिया जाता है, मतलब पैसा दिया जाता है। WHO द्वारा अपलोड की गई जानकारी के अनुसार सदस्य राज्यों जैसे अमेरिका ने स्वैच्छिक दान 35.41% योगदान करते हैं, मूल्यांकन योगदान 15.6% है, परोपकारी संगठन खाते में से 9.33%, संयुक्त राष्ट्र के संगठन लगभग 8.1% का योगदान करते हैं, शेष विभिन्न स्रोतों से आता है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा योगदान किसका था, अमेरिका का 35.41%। अमेरिका WHO की कुल फंडिंग का लगभग 15% और सदस्य राज्यों की वित्तीयन का लगभग 31% योगदान देता है। दोनों दोनों मामलों में सबसे बड़ा हिस्सा है अमेरिका का। भारत सदस्य देशों के दान का केवल 1% योगदान देता है, जो कि कुल WHO का फंडिंग का 0.48%। देख लीजिए कितना अंतर है। ठीक है, WHO के कुल वित्तीय बजट का 5% से अधिक योगदान अमेरिका के बाद यूके, और यूके आपका 7.79% और जर्मनी 5.68% द्वारा आता है। मानवीय मामलों की समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय 5% से अधिक योगदान देने वाला अन्य निकाय है। विश्व बैंक आपका 3.42%, रोटरी इंटरनेशनल 3.3%, यूरोपीय आयोग 3.3%, जापान 2.7%। WHO के वित्त के अन्य प्रमुख योगदानकर्ता में से हैं ये सब। ठीक है, WHO के लिए इसके कुल वित्तीय वित्त पोषण का लगभग 15% नुकसान दुनिया भर में असर पड़ता है। हालांकि जब तक अन्य देश अमेरिका के समान कार्य नहीं करेंगे,
तब तक इस कदम से WHO के संचालन में गंभीर बाधा नहीं आ सकती है। चीन जो नोवल कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मौजूदा WHO विवाद के केंद्र में वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी में कुल धन का केवल 0.21% प्रवाहित करता है चीन, ठीक है। वित्त पोषण की अगली बड़ी श्रेणी में जो मूल्यांकन योगदान किया जाता है वह सदस्यता शुल्क की तरह है। एक सदस्य के रूप में कोई भी राष्ट्र इस सदस्यता शुल्क से मुक्ति नहीं रह सकता है। क्या है? मुक्त नहीं रह सकता। WHO प्रत्येक सदस्य देश के लिए उसकी वित्तीय स्वास्थ्य और जनसंख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क का आकलन करता है। इसी कारण से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था USA कुल WHO के फंडों में लगभग 15% का योगदान देती है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपकी 0.25% से कम योगदान करती है। स्वास्थ्य फ्लू महामारी के विश्व में प्रसारित होने के 2 साल बाद 2011 में स्वास्थ्य एजेंसी की कुल धनराशि के 17% के लिए मूल्यांकन योगदान WHO सदस्यता शुल्क से आता है। बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का व्यय क्या है। जैसे आय है आपके पास तो उसका व्यय भी होगा ना, तो उसी प्रकार आपका WHO का भी व्यय है। क्या है इसका व्यय? विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होता है। उदाहरण के लिए 2018-19 में 19.36% लगभग $1 बिलियन पोलियो उन्मूलन पर खर्च किया गया था। आवश्यक स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की बढ़ती पहुंच पर 8.77, टीका निवारणीय रोगियों पर 7 और प्रकोपों की रोकथाम और नियंत्रण पर लगभग 4.36% खर्च किया गया। अफ्रीका के देशों को WHO परियोजनाओं के लिए $1.6 बिलियन प्राप्त होता है। दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि भारत से $375 मिलियन प्राप्त किए। भारत WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का एक सदस्य राज्य भी है। अमेरिका ने WHO परियोजनाओं के लिए $62 मिलियन प्राप्त किए। यह वह क्षेत्र है जहां से विश्व स्वास्थ्य संगठन सर्वाधिक योगदान प्राप्त करता है तथा सबसे कम व्यय करता है। अमेरिका से सबसे ज्यादा उसे वित्त मिलता है लेकिन सबसे कम अमेरिका पर खर्च किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की आलोचना के आधार क्या है। आलोचना हो रही है तो किस आधार पर की जा रही है इसकी आलोचना? वायरस प्रसार के प्रारंभिक चरण में जब कई राष्ट्रों द्वारा चीन पर व्यापारिक तथा यात्रा प्रतिबंध आरोपित किए गए तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस कदम का विरोध किया। इसके साथ ही साथ अपनी प्रारंभिक वक्तव्यों में विश्व स्वास्थ्य संगठन मानव से मानव प्रसार को भी मान्यता नहीं देता रहा, जिसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इस कदम के आपके वैश्विक प्रभाव क्या रहेंगे। ट्रंप प्रशासन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का वित्तीय रोका जाना इस प्रकार की प्रथम घटना नहीं है। इसके पूर्व अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वित्त भी रोका गया है। अमेरिका द्वारा इस प्रकार के कदम चीन को वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस संकट के समय जब लगभग महत्वपूर्ण देश कोरोना संकट से ग्रस्त हैं, ऐसे में अमेरिका द्वारा वित्तीय रोकना लगभग आधी आबादी को संकट में डालने वाला कदम है। वरन यह अमेरिका का वैश्विक नेतृत्वकर्ता रूप में छवि को भी धूमिल करता है। अमेरिका का यह कदम प्रखर संरक्षणवादी नीति का सूचक है तथा यदि इसका अनुसरण ब्रिटेन तथा जर्मनी जैसे देशों ने किया तो यह कोरोना के विरुद्ध वैश्विक प्रयास का को बड़ा आघात लगेगा। इसके पूर्व कोरोना बॉन्ड के मुद्दे पर जर्मनी के नेतृत्व में कई यूरोपीय देश सामूहिक उत्तरदायित्व का विरोध कर रहे हैं।
ऐसे में अमेरिका का यह कदम इस महामारी विरुद्ध सामूहिक उत्तरदायित्व को कम करेगा, जो वैश्विक सिद्धांतों के भी विरुद्ध होगा। याद रखिए, अमेरिका की इस कदम का विरोध, ट्रंप के इस कदम का विरोध अधिकतर देशों ने किया है, ठीक है, किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया है। लगभग भारत हेतु प्रयास, जहां एक ओर कई विकसित देश अपनी वैश्विक भूमिका में कमी ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम की भावना को दृढ़ता के साथ निभा रहा है। भारत द्वारा क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक ज्ञान, नियम तथा हाइड्रोक्सी क्लोरीन क्लोरोक्वीन को उपलब्ध कराकर अपनी वैश्विक भूमिका के साथ मानवता की रक्षा हेतु सराहनीय कदम उठाए गए। बात करते हैं भारत और WHO। भारत 12 जनवरी 1948 को WHO संविधान का पक्षकार बना। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का पहला अधिवेशन 4 से 5 अक्टूबर 1948 को भारत के स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। भारत में WHO टीकाकरण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। टीबी से निपटने और राज्यों में कुष्ठ रोग और काला जार और पोषण के कार्यक्रम जैसे उपेक्षित रोग के निदान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोरोना के निदान में भी भारत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये था भी WHO में जो अमेरिका ने फंडिंग रोकी है डोनाल्ड ट्रम्प ने, उसी पर आधारित आपका, चलो ठीक है, आर्टिकल।